नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे पहले वीडियो में हम लोग दोस्तों ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात क्या होता है किसी समकोण त्रिभुज के लिए, सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हमने अध्ययन किया था, उस पर डिस्कस किया था और मुझे आशा है कि ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको याद होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। अब कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल के लिए हम ये निकालेंगे, तो स्पेसिफिक एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। इनके वैल्यू क्या होते हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपका ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी, जिसमें बी क्या है, राइट एंगल है, बी कोण क्या है, 90 डिग्री है। अब सबसे पहले हम 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। 45 एंगल के लिए त्रिकोणमितीय रेशियो निकालते हैं। तो सपोज कीजिए कि एंगल सी जो है ये 45 डिग्री है, एंगल सी कितना है, 45 डिग्री है। अब चूंकि ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है, 180 में से 90 ये हो गया, तो बाकी जो दो कोण बचे वो 90 होगा और वो 90 में से एक 45 डिग्री हो गए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो किसी भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो तो उस दोनों एंगल के सामने के साइड जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो यानी कि ये 45 है तो इसके सामने का एंगल ये, और ये 45 है तो इसके सामने का एंगल ये, यानी कि ये दोनों साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री, हेंस ए बी इक्वल्स टू बी सी। ये किसी भी ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने के साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। तो इसमें हम अब ये 45 के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह से 30 डिग्री के लिए करेंगे, 60 डिग्री के लिए करेंगे और 90 डिग्री के लिए करेंगे, और बाद में एक टेबल के फॉर्म में उसको सबको कलेक्ट करके यहाँ पे डालेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे कि उसको कैसे समझा जाता है और कैसे याद रखा जाता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। तो ये ट्रायंगल में हमने देख लिया कि ये एंगल 45 और ये एंगल 45 डिग्री है। अब आप यहां से साइन सपोज कीजिए कि ए इक्वल्स टू बी हो गया, इसको हम लेट कर लेते हैं, ए इसको मान लिया, सपोज कर लेते हैं ये ए हो गया, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए हो गया। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी से पाइथागोरस थ्योरम आप जब लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल सी के लिए, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एच, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू आप जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी भी ए है और बी भी ए है, तो ए दोनों ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसीलिए एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर, या आप कह सकते हैं ए रूट 2, यानी एच का वैल्यू आपने ये निकाल लिया। और पी आपको पी और बी पता है, पी भी ए हो गया और बी भी ए हो गया। अब चूंकि तीनों साइड से आपको पता होंगे तो आप साइन 45 कॉस 45 टेन 45 कोसेक 45 सेक 45 और कॉट 45 का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना कितना होगा। तो साइन 45 यानी कि आप साइन 45 इसके लिए क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बताया था तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेट करके बताया था। तो इसमें साइन 45 यानी कि इस थीटा के लिए, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा पी बाय एच हो जाएगा, यानी पी बाय एच का वैल्यू आप इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी का वैल्यू ए और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा ए बाय रूट टू, यहां से ए कैंसिल हो जाएगा हो गया 1/√2। अब यहां से आप कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक 45 इसका क्या होगा
जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो कॉसे 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 है, ये हो जाएगा रूट 2। यानी कि दो वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, साइन 45 का और कॉसेक 45 का। उसी तरह से आप कॉस 45 का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, b बाय h, b का वैल्यू कितना है a, तो a बाय h का वैल्यू a बाय रूट 2, यानी कि 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। इसका भी ये कैंसिल हो जाएगा। अगर जब कॉस 45 का वैल्यू मुझे पता चल गया तो हम सेक 45 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि सेक 45 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 1 बाय कॉस 45 और 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी कि सेक 45 भी हो जाएगा रूट 2। अब दोस्तों टेन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाय बी, इस ट्राइंगल के लिए पी बाय बी, ए बी बाय ए सी, यही तो होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, टेन कॉस सेक का वैल्यू। तो टेन 45 अगर इस एंगल के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा ए बाय ए, यानी कि 1। जब ये 1 हो जाएगा तो कॉट 45 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय टेन 45, और ये हो जाएगा 1 बाय 1, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। माने आपको 6 जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उसका वैल्यू आपको मिल गया। आप कॉस 45 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉसेक 45 को, कि एच बाई पी, अगर एच बाई पी आप निकालेंगे तो सेम रूट 2 भी आएगा। ये आप करके देख भी सकते हैं कि एच का वैल्यू कितना है, ए बाय रूट 2, और ए पी का वैल्यू ए है, ए कैंसिल हो जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा। मानी की आप सेक 45 कॉस 45 को भी सेम फॉर्मूला से, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब ये आपको एंगल 45 के लिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता चल गया। आप एक चीज में नोटिस कर सकते हैं दोस्तों कि जो भी वैल्यू निकला एक कांस्टेंट वैल्यू निकला है, सभी का वैल्यू क्या निकला है, कांस्टेंट वैल्यू, जिसमें क्या है कि ये सभी वैल्यू साइड्स के लेंथ से इंडिपेंडेंट है। मतलब ए के वैल्यू से इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें कहीं भी ए का वैल्यू नहीं है। साइन 45 1 बाय रूट 2, कॉस 45 1 बाय रूट 2, टेन 45 1, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रायंगल में अगर साइन 45 कॉस 45 टेन 45 सारे का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही होगा, वो भुजा के लेंथ से इंडिपेंडेंट होगा, उससे भुजा का लेंथ से उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सपोज कीजिए कि ये एबीसी है, ए का वैल्यू अगर इसमें कोई 5 होगा, इसका वैल्यू सपोज इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है, तो अगर ये छोटा सा ट्रायंगल है जिसमें इसका 2 है 1 है और ये जो भी कैलकुलेट करेंगे, और ये एंगल अगर 45 है तो भी दोस्तों इसका 45 और इसका 45 का वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें भुजा के साइड से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि अगर एंगल सेम हो तो किसी भी दो ट्रायंगल्स, तीन ट्रायंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो सेम ही होगा सेम एंगल्स के लिए। अब दोस्तों देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब दोस्तों 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वैल्यू निकालने के लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की यहाँ पे रचना करते हैं। सपोज कीजिए दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होगा क्या होता है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है जिसके तीनों साइड आपस में बराबर हो, जिसके तीनों साइड का जो लेंथ है वो आपस में बराबर हो, इसको समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। मतलब समबाहु मतलब सभी भुजा जिसके बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसमें आप जानते हैं कि चूंकि ये तीनों भुजा आपस में बराबर है तो इसके तीनों एंगल जो होंगे ये एंगल भी आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे, क्योंकि तीनों कोण का जो 180 डिग्री है, तो अगर तीनों एंगल बराबर है तो एक एंगल कितना होगा 60 60 60। आप ये जानते होंगे क्योंकि आप भली बात ही बचपन में जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ते होंगे तो 30 डिग्री 45 60 90 कैसे बनता है वो तो आप जानते होंगे। तो ये भी आप जानते होंगे कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में जो कोण होते हैं वो तीनों कोण 60 60 60 के होते हैं, क्योंकि सभी भुजा क्या होते हैं 100 बराबर होते हैं। तो ये हो गए 60, ये कोण भी हो जाएंगे 60 और ये एंगल भी हो जाएंगे 60। अब चूंकि सभी भुजा आपस में बराबर है तो मान लेते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू 2a, सभी भुजा को हम क्या मान लेते हैं दोस्तों 2a मान लिया। अब चूंकि एक रचना हम इसमें करते हैं, क्या रचना करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो वर्टेक्स ए है, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स शीर्ष जो ए है उससे हम भुजा बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब
ड्रॉ करते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये परपेंडिकुलर यहां से हमने डाल दिया इस पे, और ये जो मिला है जो पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं डी, डी पे बीसी पे जाकर मिल गया। ये एंगल जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करें मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि चूंकि ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो कितना होगा 90 और 60 150 डिग्री। तो ये अगर हम इसको हम अच्छे तरह से देखें कि ट्रायंगल एबीडी, एबीडी को हम केवल देखें कि एबीडी, तो ये एंगल इसका कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हमने ये रचना करके बनाया है और ये 60 ऑलरेडी है, तो 90 और 60 150 हो जाएगा। तो रेस्ट कितना बचेगा 30 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी तीनों कोण का जो कितना हो जाएगा 180। सिमिलरली ये एंगल को देखेंगे एसीडी, एसीडी को भी देखेंगे, तो इस एंगल में भी ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों एंगल जब हम किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने की भुजा पे लंब डालते हैं तो जो एंगल पे होता है आपस में बट जाता है, समद्विभाज हो जाता है 60। तो ये 30 और 30 हो गया 60 का डिवाइड, क्योंकि टोटल ये 60 है। अब दोस्तों देखें कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम अगर देखते हैं तो इस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल को हम देखते हैं, तो जो ये साइड है दोस्तों, ये साइड जो है ए डी, ए डी दोनों में कॉमन है। अगर ये दोनों में कॉमन है तो इसका लेंथ दोनों ट्रायंगल के लिए बराबर होगा, जो इस ट्रायंगल के लिए भी ये साइड सेम है और इस ट्रायंगल के लिए साइड सेम ही है, तो एडी इक्वल्स टू एडी फॉर बोथ द ट्रायंगल, एडी इक्वल्स टू एडी, दो भुजा बराबर हो गए। अब ये कोण कितना है दोस्तों, ये 30 डिग्री, मतलब एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ये एंगल भी बराबर होंगे, और ये भुजा ए एंगल हो गया और ये भुजा 2a है और ये भी 2a है, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब आप किसी भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस को, कॉन्ग्रुएंस के बारे में आप पढ़े होंगे, सर्वांगसम के बारे में आप पढ़े होंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होता है। सर्वांगसम का मतलब ये हुआ कि पूरा अंग समान, सर्व अंग समान जो हो वो दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम कहलाते हैं, उसमें उसके सभी कोण और सभी भुजा, दूसरे ट्रायंगल के सभी कोण और सभी भुजा पे बराबर होते हैं। यानी कि इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि ये साइड्स, एंगल और साइड्स, तो साइड्स ये क्राइटेरिया होता है सर्वांगसम होने के लिए। इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप जानते होंगे इस बात को कि अगर किसी ट्रायंगल में एस ए एस फॉलो होता है, मतलब साइड इसके बीच में एंगल और ये साइड, ये साइड एंगल साइड बराबर हो जाता है, तो दो त्रिभुज आपस में क्या होता है, कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो इस दोनों त्रिभुज में हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये साइड, उसके बाद ये एंगल और ये साइड, इसका ये साइड, ये एंगल और ये साइड आपस में ये दो त्रिभुज के बराबर है, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल ई सी डी। ठीक है दोस्तों, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, यानी कि इसके सभी साइड्स आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये बी डी इक्वल्स टू डी सी हो जाएंगे, इसीलिए बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, डी सी हो जाएंगे। अब चूंकि ये दोनों यहां से बी सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, टोटल ए है, टू ए है, सॉरी टोटल टू ए है, तो ये और ये बी डी प्लस डी सी बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि आपको अगर हम ए बी डी को कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर हम इन ट्राइंगल ए बी डी को देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको सब कुछ पता चल गया, ये साइड 2a है, ये साइड a हो गया, और ये क्या है, इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर हम पहले साइन 60 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो इस पी का वैल्यू, हमको इसको वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप फिर वही पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, इस 60 के लिए ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो यहां पे पी निकालने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस बी कितना है a, तो a का स्क्वायर। अब यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 4a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए रूट थ्री। ये आपने पी का वैल्यू निकाल लिया, पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए रूट थ्री। ठीक है दोस्तों, अब पी इक्वल्स टू ए रूट थ्री आपने जब निकाल लिया तो आप आराम से सभी एंगल्स के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं साइन 60 से दोस्तों, तो साइन 60 क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल एबीडी में, तो पी बाय एच, और पी का वैल्यू कितना है, पी बाय एच
और इसमें पी का वैल्यू आपने निकाल लिया a root 3 बाय 2a, तो a से कैंसिल हो जाएगा तो रूट थ्री बाय 2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, cosec 60 इक्वल्स टू 1/sin 60, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 1/√3/2 या 2/√3, ये हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा b/h, यानी कि b हो गया आपका, इसमें a हो जाएगा b, इसके लिए ये हो जाएगा, तो b का वैल्यू है और ये, और sec 60 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/cos 60, cos 60 दिस इज इक्वल टू 1/tan 60, अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा p/b, और p का वैल्यू आपने निकाला है a/√3, b का वैल्यू है a, यानी कि हो जाएगा √3, और cos 60 आप निकाल सकते हैं 1/tan 60, दिस इज इक्वल टू 1/√3। इस तरह से आप sin 60 का भी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। जब आपने sin 60 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो आप फिर, ये तो इस ट्रायंगल के लिए होगा जब एंगल 60 डिग्री को आप कंसीडर कर रहे थे, ये थीटा जब आपका था 60 डिग्री, अब अगर थीटा 30 डिग्री इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो इसके लिए पी ये भुजा हो जाएगा और ये 2a h रहेगा और ये सेम हो जाएगा, ये पी जो है इसके लिए बी हो जाएगा। जब 30 डिग्री कंसीडर करेंगे तो उसके लिए आप साइन 30 का वैल्यू आप निकालेंगे, कॉस 30 का वैल्यू निकालेंगे, टेन 30 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। तो दोस्तों इसी ट्रायंगल में आप अगर निकालना चाहें तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, कॉसेक 30 का वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा तो सिंपल 2 हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, टेन 30 वैल्यू 1/√3, कॉस 30 वैल्यू √3। आप ये अपने से कैलकुलेटर में आप करके देख सकते हैं, रिजल्ट आपको वही आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो दोस्तों 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए आपको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट की बातें यहाँ पे समझना होगा। क्या समझना होगा कि सपोज कीजिए कि ये ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, और ये एंगल आपको मान लीजिए थीटा जो कभी 0 डिग्री, तो ये एंगल 0 कब होगा, तो सपोज कीजिए आप कि ये एंगल के लिए हम लोग चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाए तो हम अगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं तो हमें सारा वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन ये वैल्यू ये थीटा 0 कब होगा, आप थोड़ा सी इस बात को गौर कीजिए। ये अगर ये एसी को हम ड्रॉप डाउन करते ऐसे इस तरह से झुकाते, सपोज कीजिए कि इसको हम इस पॉइंट पे थोड़ा सा यहाँ ले आए, इस पॉइंट पर ले आए, तो ये पहले से एंगल क्या होगा कम हो जाएगा, फिर सपोज कीजिए कि ये हम इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये एंगल और कम हो जाएगा, सपोज कीजिए इसको हम यहाँ पे इस तरह का ट्रायंगल बनाते हैं तो एंगल और छोटा हो जाएगा। तो धीरे धीरे अगर हम इसको ए को नीचे खिसकाते जाते हैं, अगर इस ट्रायंगल में ए के वैल्यू को ए बी के वैल्यू को कम करते जाते हैं, लगातार कम करते जाएंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होते चला जाएगा अगर हम ए बी के वैल्यू को कम करते जाएंगे तो ए बी के वैल्यू को कम करते जाएंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। अब दोस्तों जब थीटा 0 के बराबर आने लगा, अगर थीटा टेंस टू मतलब 0 के वैल्यू के बराबर जब आने लगेगा उस केस में क्या हो जाएगा, ए बी भी क्या हो जाएगा 0 के तरफ जाने लगा, अगर हम ए बी को 0 कर दे मतलब 0 की तरफ कर दे, 0 के पास जब ए बी पहुंच जाएगा तो थीटा भी 0 के पास पहुंच जाएगा, झुकते चला जाएगा, ऐसे झुकते हुए चला जाएगा तो थीटा भी 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 हो जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा कि जो एसी है वो बीसी पर ओवरलैप कर जाएगा दोस्तों, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एसी सिमिलर इक्वल्स टू या करीब करीब अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बीसी, ये एसी का वैल्यू बीसी के बराबर हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि एसी क्या होता है एच और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच इक्वल्स टू बी के बराबर हो जाएगा 0 डिग्री जब थीटा 0 हो तो जब h इज इक्वल टू b के बराबर हो जाएगा और पी ए बी क्या हो जाएगा उस समय 0 के बराबर करीब करीब हो जाएगा, यानी कि जब किसी भी ट्रायंगल में थीटा 0 होगा उस केस में क्या हो जाएगा तो p जो है वो 0 के बराबर करीब करीब हो जाएगा और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के बराबर हो जाएगा। तो इससे अगर हम साइन थीटा निकालते हैं साइन थीटा या साइन 0 के तो क्या हो जाएगा ए बी बाय ए सी बी बाय एच पी बाय एच और पी इस केस में 0 हो जा रहा है और एच का वैल्यू जो भी होगा तो ये 0 हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। जब साइन 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कॉसेक 0 क्या होता है कॉसेक 0 हो जाएगा 1/sin 0 हो जाएगा और 1/0
और आप जानते हैं कि किसी भी अगर डिनोमिनेटर में हर में जीरो वैल्यू हो तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, यानी कि कॉस से जीरो का वैल्यू नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जा सकता। सिमिलरली अगर कॉस जीरो आप निकालते हैं तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, बी बाय एच, और बी का वैल्यू समय डी रहेगा और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, क्योंकि एच और बी उस समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी कि कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और उसी तरह सेक जीरो का वैल्यू आप निकालना चाहें, सेक जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वन बाय कॉस जीरो, वन बाय कॉस जीरो, और वन बाय कॉस जीरो का वैल्यू वन है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी कॉस जीरो वन, देन सेक जीरो ऑल्सो बी वन। नाउ टेन जीरो इक्वल्स टू, टेन जीरो इक्वल्स टू पी बाय बी, अब इस केस में भी p का वैल्यू क्या है, जीरो है दोस्तों, तो p का जीरो बाय b का वैल्यू जो भी होगा, तो जीरो बाय अगर नॉमिनेटर में जीरो हो जाता है अंश में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली cot जीरो क्या हो जाएगा, cot जीरो इक्वल्स टू वन बाय टेन जीरो, और दिस इक्वल्स टू वन बाय जीरो, अगेन दिस इज नॉट डिफाइंड, ये भी डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि tan 0 0 हो जाएगा तो cot 0 भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, यानी कि cos 0 और cot 0 दोनों भी डिफाइन नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको अगर समझ गए तो मैं एक टेबल के फॉर्म में बना देता हूं, उसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। सिमिलरली अब 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो अगर थीटा हम सपोज के थीटा 90 के लिए कंसीडर करें, तो यही एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स में ये थीटा 90 कब होगा, अगर ये ए है, बी है और ये सी है, तो ये 90 कब होगा, अगर इसको सपोज कीजिए हम अब इस साइड में इस सी को हम थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते जाते हैं, अगर सी को यहां पे ले आए तो क्या होगा दोस्तों, थीटा पहले से बढ़ जाएगा, अगर सी को और यहां पे ले आए सपोज कीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो थीटा और बड़ा हो जाएगा पहले से, अगर थीटा को इस पॉइंट को खिसकाते हुए शिफ्ट करते हुए बी के पास ले जाए, तो चूंकि बी 90 डिग्री है, तो ये सी का वैल्यू जो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 ही हो जाएगा, अगर सी को हम बी के पास शिफ्ट करते हुए ले जाए, यानी कि सी को हम अगर इधर शिफ्ट करते ले जाएंगे, तो एंगल जो थीटा है वो दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यानी कि जब हम सी को इस तरह शिफ्ट करते हुए ले जाएंगे, यानी कि बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ ले जाएंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब अगर थीटा 90 है तो बी सी क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो, बी सी क्या हो जाएगा दोस्तों, टेंस टू जीरो हो जाएगा, और ये जो ए सी है वो यहां से जब यहां तक शिफ्ट कर जाएगा, तो ए सी ए बी को ओवरलैप कर जाएगा, ये जो ए सी है ये वो ए बी को ओवरलैप कर जाएगा ऐसे सरकते हुए, तो यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू ए बी, जो कि एच होता है, ये पी होता है और ये बी होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि आप कह सकते हैं कि बी सी क्या है, बेस, तो बेस टेंस टू जीरो हो जाएगा इस केस के लिए, और ए सी जो एच है वो इक्वल्स टू हो जाएगा पी के। अब दोस्तों देखिए, जब जीरो के केस हुआ था तो पी जीरो हो गया था, एच बी के बराबर हो गया था, और ये 90 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा और एच जो है पी के इक्वल्स हो जाएगा। अब फिर सिमिलरली इसी तरह से अगर आप साइन कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 पी बाय एच, पी का वैल्यू आपको निकल गया पी, और एच का वैल्यू भी पी ही हो जाएगा, क्योंकि एच और पी बराबर है, इसका वैल्यू वन हो जाएगा, जब साइन 90 वन हो जाएगा तो कॉस से 90 भी क्या हो जाएगा दोस्तों, वो 1 बाय साइन 90 हो जाएगा, और ये 1 बाय 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप cos 90 निकालना चाहे तो cos 90 क्या हो जाएगा दोस्तों, b बाय h, और इसका b क्या हो गया, शिफ्ट होते होते यहां आ गया, तो वो 0 के बराबर पहुंच गया, जो कि मैंने लिखा है कि b कितना हो गया, 0 हो गया, तो b बाय h में b 0 बाय h हो जाएगा, अब चूंकि नॉमिनेटर 0 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो sec 90 क्या हो जाएगा, 1 बाय cos 90 दैट इक्वल्स टू 1 बाय 0, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो वो वैल्यू डिफाइंड नहीं होंगे। सिमिलरली tan 90 क्या हो जाएगा, tan 90 हो जाएगा p बाय b, और p का वैल्यू आपको पता है जो भी होगा, और b का वैल्यू क्या होगा, 0, अगेन 0 इन डिनोमिनेटर, हर में 0 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं हो सकता। और cot 0 क्या हो जाएगा, तो cot 0 होता है, cot 90 क्या हो जाएगा, 1 बाय tan 90, tan 90 चूंकि डिफाइंड नहीं है, तो 1 बाय नॉट डिफाइंड किसी में डालते हैं
तो आप जानते हैं उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड, जिसको हम इनफाइनाइट से लिखते हैं सिंबल से, ये वैल्यू हो जाएगा जीरो। यानी कि अगर किसी डिनोमिनेटर में किसी भिन्न का, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड होगा तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि आप 90 डिग्री के लिए भी टेन 90 इसमें नॉट डिफाइंड होगा और सेक 90 नॉट डिफाइंड होगा। तो ये आपने सभी सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप ट्रायंगल में देख चुके हैं। अब दोस्तों इसका जो वैल्यू है वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं एक टेबल में इसको एक सजा के लिख देता हूं, आप इसको याद रखिए। मैं थोड़ा सा टेक्निक भी बता देता हूं कि इसको कैसे याद रखा जाए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है, अब आप इसको अच्छे से आप देखिए, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। इसमें थीटा को हमने लिख लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इस साइड हमने सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक सारे रेशियो लिख लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब आपको वैल्यू मैंने निकाला था, उसी को हमने एक टेबल फॉर्म में लिख दिया कि साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होगा। अब आप इसको अगर समझ गए दोस्तों, मेन आप एक टेबल साइन को याद कर लीजिए, याद रखिए, तो करीब करीब आपको सारे याद हो जाएंगे। कैसे? तो कॉस थीटा जो होंगे वो जीरो इधर से जो होगा वही स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए साइन का वैल्यू जो इधर से इस क्रम में है 0, 30, 90, 60, 45, 60, 90, और कॉस का वैल्यू आप जो 90 का वैल्यू साइन का होगा कॉस के जीरो का वैल्यू हो जाएगा, साइन के जो 60 का वैल्यू होगा वो कॉस के 30 का वैल्यू हो जाएगा, साइन के जो 45 होगा वो 45 में आ जाएगा, साइन का जो 30 है वो 60 का वैल्यू हो जाएगा, और साइन का जो 0 है वो कॉस के 90 के वैल्यू हो जाएगा। यानी आप साइन थीटा को एक क्रम ऐसे याद रख लेंगे तो कॉस को आप ऐसे इसका जस्ट रिवर्स को आप लिख दीजिए तो आपको कॉस का टेबल मिल जाएगा। यानी कि साइन 0 के जो भी वैल्यू है उसको उल्टे आप इसमें पुट करते चलेंगे तो आपको कॉस का वैल्यू, कॉस के सभी एंगल्स का वैल्यू आपको आराम से पता चल जाएगा। तो है ना दोस्तों, अगर आप साइन का वैल्यू याद कर लिए तो आपको कॉस का वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। साइन का वैल्यू का जस्ट रिवर्स ऑर्डर में आप लिख देंगे जैसे, तो वो कॉस के वैल्यू को निकल जाएगा। तो आप ऐसे भी याद सकते हैं कि जो साइन का वैल्यू होगा 0 डिग्री में वो कॉस के 90 डिग्री में वैल्यू होगा, माने 0 और 90 रिवर्स, जो 30 और 60 आपस में रिवर्स, और 45 सेम टू सेम रह जाएगा। जो साइन 30 का वैल्यू होगा वो कॉस 60 का वैल्यू होगा, और जो साइन 60 का वैल्यू होगा वो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा, और 45 डिग्री सेम हो जाएगा क्योंकि वो सेंटर बीच में पड़ता है। अब देखिए टेन का वैल्यू आप याद रख सकते हैं दोस्तों, टेन का वैल्यू 0 का 0 हो जाएगा 0 डिग्री का, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, और इसका नॉट डिफाइंड। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा जो होगा वो कॉट का वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे दोस्तों? तो कॉट का वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं कि 1/0, क्योंकि इसका जब 0 करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3 का, तो सीधा √3, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड अगर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी आप टेन का वैल्यू, अगर एक साइन का वैल्यू और टेन टेन का वैल्यू रखते हैं तो आपको सभी याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, साइन के वैल्यू से कॉस आपको मिल गया और टेन के वैल्यू से कॉट मिल गया। अब सेक कॉसेक थीटा और सेक थीटा कैसे याद करें, तो चूंकि जानते हैं कि क्योंकि साइन का वैल्यू आपको पता है तो साइन का क्या होता है, रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, 1/sin थीटा आप कर दीजिए, तो जो भी होगा 0 का 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 का रिवर्स उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा 2 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। यानी कि साइन से ही आप कोसेक भी निकाल लिए और साइन से आप कॉस थीटा लिख लिए थे रिवर्स ऑर्डर में, तो जब कॉस थीटा आपको पता जाएगा तो कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी कि सेक कॉस का रिवर्स आप कर दीजिएगा तो सेक मिल जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1/1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का 1/2, √2 सिंपल √2, और 1/2 का 2, 0 का नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आप इस टेबल को आराम से याद कर सकते हैं, केवल दो याद करके, एक साइन थीटा का टेबल का सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हर एंगल के लिए याद रख लीजिए, और एक टेन के लिए याद रख लीजिए। ये दोनों को याद रखने से आप इस टेबल को आराम से लिख सकते हैं। आप एक दो बार आप कॉपी में नोट डाउन करके आराम से लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक ही बार में याद हो जाएंगे। आइए दोस्तों इस पे देखते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह से पूछे जाते हैं। एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे देता हूँ, आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और उसको देख सकते हैं आप। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको दो प्रॉब्लम लिखा है, प्रॉब्लम नंबर एक और प्रॉब्लम नंबर दो। प्रॉब्लम नंबर एक को पहले देखते हैं कि 2 tan² 45 + cos² 60 - sin² cos² 30 - sin² 60 इसका वैल्यू क्या होगा।
तो बड़े अच्छे से आप इस टेबल को याद कर चुके हैं। अब इस टेबल से देख के इसका वैल्यू इसमें मान पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो 1045 का कितना वैल्यू हो जाएगा, 1045 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि 2 10^45 अगर लिखते हैं तो 2 × 10^10 का कितना 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा दोस्तों। तो रूट माइनस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस था और माइनस साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे ये √3/2 और √3/2 का होल स्क्वायर दोनों सेम है, तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएंगे, तो ये क्या बचेगा 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 = 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना सिंपल है दोस्तों, ये अगर आपको टेबल याद है तो आराम से इस वैल्यू का इस इक्वेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको ये दिया हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें आपका ये जो एंगल है एंगल सी वो 30 डिग्री दिया हुआ है और ए बी इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो पी आपको 5 दिया हुआ है, तो कहते हैं कि एच इसका कितना होगा। तो आप पी और एच में अगर आपको दो चीज दिया हुआ है तो आप देखिए 30 डिग्री मुझे पता है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चूंकि आपको पता हो गया, तो पी और एच का रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है तो साइन, तो साइन 30 अगर आप निकालते हैं तो इसमें आप निकालना चाहिए कि साइन 30 = क्या हो जाएगा P/H, और P का वैल्यू 5 दिया हुआ है, H का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और sin 30 का वैल्यू आपको पता है कि sin 30 = 1/2 होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं 1/2 = 5/H। यहां से अगर H निकाले तो H इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो H = 5 × 2 = 10, यानी कि H का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप इसके छोटे छोटे जो प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने बुक से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आधारित प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कीजिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको हल दिया जा सके। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोणों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, जब आप इसको देख लेंगे उसके बाद हम इस सभी रेशियो को जो एप्लीकेशन क्या है, जैसे हम पहले वीडियो में ऊंचाई और दूरी को लेकर बताए थे कि कुतुब मीनार का हाइट आप बिना मेजर किए हुए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या रिवर में है तो रिवर के एक एंड पे महल है दूसरे एंड पे सिटी है तो आप रिवर के विड्थ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन हम उसके नेक्स्ट वीडियो में ज्ञात करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए समझिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।